प्रतिनिधिमंडल पीसीसी वॉर रूम पहुंच चुका है। प्रतिनिधिमंडल के साथ महापौर मुनेश गुर्जर भी मौजूद हैं। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ उनकी बातचीत हो रही है। रंधावा लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले पर हल निकाल लिया जाए, क्योंकि मेयर और पार्षद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई दिनों से कामकाज प्रभावित हो रहा है, लोगों की दिक्कतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। तो वहीं उधर आयुक्त राजेंद्र वर्मा भी एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है, लेकिन इन सब के बीच अब इस पूरी जिम्मेदारी को, इस पूरे मामले को सॉल्व करने के लिए सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कमान संभाल ली है। पीसीसी वॉर रूम में से लेकर एक खास बैठक की जा रही है, जहां पर इस पूरे मसले पर हल निकालने की कोशिश की जा रही है। पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल पीसीसी वॉर रूम पहुंचा हुआ, उस दौरान की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। महापौर मुनेश गुर्जर भी इस वक्त वहां पर मौजूद है और इन सभी के बीच चर्चा की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले पर हल निकाल लिया जाए, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था और प्रदर्शन के दौरान ही हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस कदर प्रदर्शन स्थल पर ही योग भी किया गया। और इन सब के बीच अब कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले पर हल निकाला जाए, समझाइश की जाए। और यही वजह है कि रंधावा इसे लेकर एक खास बैठक कर रहे हैं और कई मसलों पर बातचीत की जा रही है। तो पत्रावली पर हस्ताक्षर को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। आयुक्त राजेंद्र वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, अपमान करने के आरोप, और इसके बाद से ही लगातार मेयर और पार्षदों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था। आयुक्त राजेंद्र वर्मा को पद से हटाने की मांग की जा रही थी, उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी और पार्षद और मेयर की ओर से ये कहा जा रहा था कि अब मामला आत्मसम्मान तक पहुंच चुका है और जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी ये प्रदर्शन जारी रहने वाला है। ऐसे में लोगों की फजीहत बढ़ी हुई है और लगातार कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। सहयोगी बाबूलाल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, अब खास बैठक की जा रही है, अब क्या लग रहा है, रंधावा हल निकाल पाएंगे? जी, पिछले एक घंटे से हेरिटेज नगर निगम की मेयर अपने साथी पार्षदों के साथ में पीसीसी के वॉर रूम में मौजूद है। रंधावा के साथ में बैठक चल रही है और जो विवाद है उसका हल निकालने की कोशिश हो रही है। टकराव के हालात हैं अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में, और ऐसे में क्या समाधान निकल पाएगा ये तो देखना बाकी, लेकिन फिलहाल गुंजाइश जरूर बनी है क्योंकि पहले मंत्री आए, विधायक आए और उसके बाद में जो मेयर हैं वो साथी पार्षदों के साथ पहुंची है। धरना चल रहा है और ये आत्मसम्मान की लड़ाई है दोनों ही खेमों के लिए। हो क्या रहा भीतर, खबर क्या आई है, ताजा जानने के लिए हमारे साथी महेश से बात करते हैं। महेश, क्या भीतर खिचड़ी पक रही फिलहाल? देखिए, भीतर जिस तरह से सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने हेरिटेज की महापौर और तमाम जो पार्षद हैं उनको बुलाया है और एक कमरे के भीतर में उनकी जो बातचीत है वो लगातार जारी है। करीब आधे घंटे का वक्त यहां पर हो चुका है। बाकी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनसे आधे घंटे से ये जो चर्चा है तफसील से की जा रही है। इसका मतलब ये माना जा सकता है कि प्रभारी ने इस मसले को गंभीरता से लिया है, क्योंकि शहर की कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये मसला डैमेज कर सकता है, ऐसी उन्हें आशंका लगी होगी। तभी इस मामले का आज एक सप्ताह बाद जाकर के कोई हल निकालने की स्थिति में पहुंच रहे हैं, या फिर ऐसा कि आज क्या गाज गिरेगी अतिरिक्त आयुक्त के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से टकराव के हालात बन गए हैं तो कामकाज तो ठप पड़ा है हेरिटेज निगम में। बिल्कुल, कामकाज ठप पड़ा है। साथ में आपने जो पूछा है कि अतिरिक्त आयुक्त, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कम यहाँ पर जो है संभावना या आशंकाएं बनती है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो, क्योंकि जहां तक अभद्रता की बात थी तो वीडियो जो भी आए हैं उसके अंदर पार्षदों के जरूर वीडियो आए हैं, और जो बात मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कही थी, और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, रफीक खान और अमीन कागजी तीनों का एक साथ आना और उनका एक साथ ये बयान देना कि अभी भी जो धरने के बाहर जो संख्या है पार्षदों की वो ज्यादा है और धरने के भीतर जो पार्षद हैं वो काफी कम है, ये भी एक अपने आप में संकेत देता है कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कहना चाहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इस धरने को लेकर के उनकी सहमति नहीं थी, जैसा कि उन्होंने कहा कि उनसे कोई इजाजत। बाबूलाल और महेश, आप दोनों नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है जब लोगों के कामकाज इस प्रदर्शन की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। और इस बीच ये बड़ा अपडेट